फिलहाल सीन ये चल रहा है कि हम खो चुके हैं और अभी फ़ोन करा हमने पापा को, तो पता चलिए लोकेशन अब देखते हैं कहाँ पे हैं, यहीं बता रहे थे कुछ चौकी के पास पास, देखते हैं कहाँ पे हैं, फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। गाइस वेरी मॉर्निंग, और इसी के साथ आज की दिन की शुरुआत होती है 9:30 बजे, मतलब ये वाली घड़ी देखो इसमें 7:15 बज रहे हैं और ये लेट है, हमें अब पता चली है जब अपने मोबाइल में टाइम देखा, नहीं तो सब पीछे चल रहे थे हम भी टाइम के हिसाब से ही, इससे पता चलता है हमारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हम सब नहा लिए हैं, नहा धो के तैयार हो चुके हैं, बस भाई गया हुआ है वो अंदर नहा रहा है, बाकी पापा वापस सब नहा लिए और अब हमारा प्लान है आज पूरे दिन वृंदावन घूमने का, उसके बाद हम जाएंगे खाटू श्याम, और बाकी सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे बाके बिहारी मंदिर, उसके बाद नाश्ता वास्ता करेंगे कुछ जो भी करेंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। आज मैं सीन नहीं दिखा पाया, तो इस टाइप का सीन है कुछ, नीचे का ग्राउंड फ्लोर है ये, बाकी ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है और ये रहे ताऊ जी दाई जी जिनके मैं बता रहा था आपको कि आए हुए हैं, वो भी कोइंसिडेंटली मीट हो गया। ये है हमारा सारा सामान और यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे ही मान जाता। हाँ चलो, बाकी बिहारी मंदिर चलने की तैयारी में है और रिक्शा में बैठ चुके हैं, यहाँ पे तो रिक्शा में ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत पास पास है तो गाड़ी नहीं लेके जा सकते ना, तो अनकम्फर्टेबल रहेगा। बाकी ये रही मम्मी हमारी, अम्मी हेलो कर दो, अम्मी मेरे तो ऐसी करती रहेंगी, हाथ ही लाती रहेंगी बस, हाँ बुलाओ ना। चलो ये सुबह ही शुरू हो गया मैड एंगल के साथ, पापा भी आ गए, चले पापा। फिलहाल हम घूम रहे हैं यहाँ पे विद्यापीठ पे, यहाँ पे इस जगह को विद्यापीठ कहते हैं और हम जा रहे हैं अब बाके बिहारी के मंदिर। ये है कुछ भीड़ का सीन यहाँ पे, भाई कितनी भीड़ हो रही है देखना, देख रहा है भाई, फोन का ध्यान रख के चलना पड़ेगा है ना। ये देखो ये तो बस शक्ल ही देखता रहेगा अपनी, सुबह से परेशान कर रखा है इसने वैसे भी, भाई चलो ठीक है जी, बढ़िया लग रहा है यार, मजे करता है। मार्केट यहाँ पे भी मार्केट लगा पड़ा है अच्छा खासा, वही माला वगैरह का मार्केट है यहाँ पे, जो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा बिकती हैं नीमू शिकंजी, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, तो वैसे काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है। ये देखो ये वो जो स्टैंप होते हैं लगाने के, बाकी ये देख रहे हो बाल गजब लग रहे हैं भाई। गाइस काफ़ी पीछे छूट गए हैं व्लॉग बनाते बनाते, वो रही मम्मी जा रही हैं, आपको दिख रही होंगी वाइट में, चलो तो फिट है जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। आया गोलगप्पे टिक्की आए है भाई, पहले मंदिर घूम के आना है, लेकिन आ हा हा कचौड़ी फेमस मस्त लग रही है एकदम, चलो आगे चलते हैं। ये है सब ड्रेसेस, भगवान जी की ड्रेसेस का मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे, या कुछ खाने पीने का सीन, काफ़ी भीड़ लगी पड़ी है, हर जगह भीड़ है भाई, कहीं भी खड़े हो जाओ यहाँ तो हर जगह भीड़ है, देख रहे हो इतनी भीड़ में चलना पड़ रहा है, अब वो भी गर्मी बेहिसाब। चप्पल बाकी हमें नहीं पता ये चप्पल हमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, आ जा तो रहे हैं हम, ले ले चप्पल का, हाँ भाई आखिरी विदाई लेते हैं चप्पलों से, लेकिन होप तो मिल जाए भाई, ये हमें कैसे जाते हैं हम, तो हमने बीच में से कट लिया और ये भैया मिले हैं जो फ्री मतलब पैसे लेके दर्शन करवाते हैं, यहाँ पे ऐसा सीन चलता है कुछ, काफ़ी खंडर वाला रास्ता है जहाँ से जाना पड़ रहा है, वही लग रहा है ये प्रॉपर्टी बेच रहा है भाई, इसे ऐसा लग रहा है मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा खासा व्लॉग बना रहा हूँ भाई, सही में अलग ही रास्ता है, फिलहाल हम नंगे पैर हैं और यहाँ पे कुछ भी लग सकता है मंदिर में, चलो चलो चलो, काफ़ी भीड़ हो रही है भीड़ के हाल, भाई साहब भीड़ बेहिसाब, जगह भी नहीं है घुसने की, देख रहे हो बोरे बाके बिहारी जी दिख गए होंगे गाइस, काफ़ी कंफ्यूजिंग रास्ते हैं यहाँ के और मस्त लग रहा है ना, ठीक है एकदम राधे राधे का साइन भाई, मस्त लग रहा है, इसने भी लगवाया, पापा ही रह गए, अरे यार आगे आगे चल रहे थे क्या करें। फिलहाल हम जा रहे हैं दुकान पे, वहाँ पे जहाँ पे हमने चप्पल उतारी थी, बाकी दर्शन हो गए बढ़िया एकदम, बाकी काफ़ी भीड़ थी जैसा कि आपने देखा ही था, इतनी भीड़ हो रही थी भाई कोई साफ थोड़ी ना, पिच रहे थे पिच कर रहे थे सही, लेकिन में माला मिल गई, अच्छा हुआ सही में माला मिल गई। हाँ पता है एक आंटी जा रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को तो भेज दो, और उनका बेटा कोई और था बेचारा निकल गया नीचे से, ठीक है भाई मज़ा आ गया, इसकी वजह से आज हमें माला मिल गई, बस भाई बस पैसे दे पैसे ले लिए भाई, 2 रुपए दूंगा मैं उसे पूरे, ठीक है यार 2 रुपए में खुश रहे भाई, ठीक है मुझे अपना खर्चा अपने मन के हिसाब से दे दिया, ठीक है
भाई इतनी देर हो गई घूमते घूमते, आपको मेरी हालत दिख ही रही होगी पसीने में, पता है कितने पसीने आ रहे हैं भाई। घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया हमें, जहाँ से आए थे वहीं आ गए दोबारा, वाली दुकान नहीं मिल रही, यहाँ से चप्पल उतारी नहीं यार, कहाँ उतार दी हमने भी चप्पल, शायद हम गलत रास्ते से आ गए। ये वाली दुकान तो मैंने पहले भी दिखाई थी, वहीं पहुँच गए हम रैयत, वही वाली दुकान पर आ गए, मिल गई मिल गई। तो आखिरकार फाइनली मिली गई चप्पल वाली दुकान, अब मेरी चप्पल कहाँ है बस मुझे ये दिखा दो। ओ भाई मज़ा आ गया, विक्ट्री, चप्पल मिल गई वापसी भाई साहब, बिल्कुल मिठाई खिलवा देंगे। ओके अंकल ठीक है, यूट्यूब का चैनल चला रहा है, ठीक है। ये वाली टी शर्ट लेने का जिसमें प्रिंट है ओम राधे वगैरह का, ये देखो भाई साहब, इतनी देर से बोल रहा था तो मैंने सोचा चलो इस बार यहाँ पे रेट सही थे तो यहाँ से, बाकी हर जगह रेट महंगे चल रहे थे, यहाँ से दिलवा दी। चलें चलो, फिलहाल सीन ये चल रहा है कि हम खो चुके हैं और अभी फ़ोन करा हमने पापा को तो पता चलिए लोकेशन, अब देखते हैं कहाँ पे हैं, यहीं बता रहे थे कुछ चौकी के पास पास, देखते हैं कहाँ पे हैं, फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल पहुँचे हम एक शॉप पे जहाँ से लेना है हमें सामान, थोड़ा बहुत ड्रेस व्रेस वगैरह। इतना ट्रैवल करने के बाद दोबारा रिक्शा में बैठ गए, अब हाँ यार बहुत ट्रैवल कर लिया, कम से कम एक घंटे से हम सड़क के नाप रहे हैं इधर से उधर, वो भी नंगे पैर थे, आपको मैंने दिखाया था चप्पल मिली हमें इतनी देर बाद, और अब इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना भाई, साफ गर्मी है यहाँ पे, टेम्परेचर लगभग 41 है 42 ऐसी कुछ है, अभी चेक कर रहा था नेट पे, अभी पता नहीं कितनी भीड़ होगी, देखते हैं अंदर जाके बाकी पता चलता है। तो ये है चप्पल अप्पल का उतारने का सब, मतलब ऐसे थैलों में डाल देते हैं भाई, सही है जुगाड़ ठीक है, जा रही है चप्पल दे दो इन्हें, ये ले डाल दे भाई, ये देखो चप्पल वाला ले, अरे दीजिए 10 रुपये दे दो इसे। My last made me feel like I would never try again, but when I saw you I felt something I never felt, come closer I'll give you a... पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर, तो ये है इंटीरियर यहाँ का, और भाई सामने है राधे कृष्ण जी, दिख रहे होंगे, काफ़ी मस्त माहौल है भाई यहाँ का, तो हाँ डांस कर रहे हैं मस्त एकदम, फील आ गई, देखो हाँ हाँ हाँ। वैसे बहुत सारे मंदिरों में फ़ोटो खींचने के लिए मना है, लेकिन यहाँ पे ठीक है भाई, यहाँ पे तो खुद ही कैमरा लगा रखा है, चल रहा है सीन मस्त है यार, एकदम भजन हो रहा है यहाँ पे, गैलरी भी है काफ़ी मस्त है, ग्रीन ग्रीन दोनों साइड, एकदम मस्त सीन है। बाकी ये दोनों चल रहे हैं आगे और वो दोनों चल रहे हैं पीछे, मेरी मम्मी आ गई और ये रहा रजत भैया, आ जा भाई फटाफट जल्दी आ जा, बस ही नहीं पहुँचते रह जाएगा बस भाई। क्या मस्त सीन है ना, देख रहे हो आप क्या मस्त विला सा लग रहा है एकदम, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स टाइप, सही है यार बढ़िया सीन है एकदम। ये भी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर हमने माथा टेकना है, देख दे भाई काफ़ी एंटीक चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे, शायद काफ़ी क्राफ्ट हुई हुई है, बढ़िया हुई हुई है एकदम आर्किटेक्चर, बढ़िया मंदिर निकल गया यार, थोड़ा सा दिखा नहीं पाया पूरा, अब दिख जाएगा शायद। हम फाइनली पहुँच चुके हैं गाड़ी पे, और अब जहाँ भी घूमेंगे हम गाड़ी में घूमेंगे भाई साहब, कितनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, कितनी गर्मी, बहुत गर्मी। तो गाइस ये आ गया प्रेम मंदिर, वाह ग्रैंड एंट्री है बिल्कुल, मस्त है यार, लेकिन भीड़ भी बहुत है यहाँ पे, हर जगह भीड़ ही भीड़ है, क्या करें मेरे हिसाब से भाई। चलो फिलहाल अब भूख लग रही है बहुत तेज़, कुछ खाने चलते हैं, नाश्ता करेंगे हम चौपाटी पर भाई, काफ़ी मस्त है, वैरायटी वैरायटी रखी हुई है मेरे ख्याल से तो, बाकी मैं भी पहली बार जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, अंदर जाके बताता हूँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस, इंटीरियर तो काफ़ी मस्त है, बाकी पता चलता है टेस्ट से, दिखाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन पता चलता है असली टेस्ट से, जो तू खिलाएगा भाई, मैं तो कुछ नहीं खिलाने का, तू ऐसे ही रह जा फिर, तो तू भी मत खाइयो फिर, नहीं तू खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है दोनों नहीं खाएंगे पक्की बात। तो आप क्या गजब टेस्ट है भाई, फिलहाल हमने ऑर्डर करा था पनीर पराठा और मस्त आया एकदम, और बाकी बर्गर खा रहा है ये मतलब बेचारे ने हमें दिया ही नहीं बिल्कुल भी, कह रहा मुँह आ जाएगा मेरा, वो बढ़िया है भाई इसका सीन, आ गया रजत भी वहाँ पे और ऑर्डर कर रखा है अभी अभी, लेकिन वो ऑर्डर पूरा नहीं हुआ अभी हमारा। चलो फटाफट अब खाना शुरू करते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। अब हम बैठ चुके हैं हम गाड़ी में और काफ़ी गर्मी हो रही थी, आइसक्रीम और ये रहा बर्गर वहीं से ले लिया, बाकी हमने बहुत सारा खा लिया वहाँ पे, उसके बाद हमने ये ले लिया,
अब चल रहे हैं, अब सीधे कुछ नहीं मिलने वाला रास्ते में। आपका नाम क्या है? नाम कुछ लेने वाले हैं क्योंकि अब नॉन स्टॉप जर्नी करनी है खाटू श्याम जी की। गर्मी की हालत आपको पता ही चल रहा होगी मेरे चेहरे से, इतनी गर्मी हो रही है, अभी भी एसी चल रहा है गाड़ी में, लेकिन पसीना सूखने को तैयार नहीं है। फिलहाल हम आ चुके हैं राजस्थान में, एंट्री हो चुकी है। लोग आग सोचते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सुनसान मतलब बंजर सा पड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वैसे बहुत लोग अब हैं यहाँ पे, वो कैक्टस वैक्टस जैसे दिखाते हैं ना उसमें मूवीज में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ये सात पहाड़ हैं बालाजी वाले, जो लोग वहाँ कहते हैं, आपने सुना होगा, वैसे दिख रहे होंगे आपको। एक मिनट, ये देखो सात पहाड़ हैं, बाकी शायद मेरे ख्याल से वो बांगड़ का किला है, वो जो सबसे ऊपर है, दिख रहा होगा, बाकी मुझे भी नहीं पता। भूतिया किला लगता है ऐसी राय। हाँ बहुत फेमस है, जयपुर में पहुँचने वाले हैं, बस हम आधा घंटा और रह गया, बाकी मस्त एकदम ट्रैवल कर रहे हैं। ये हैं मिट्टी वाले पहाड़ भाई, मिट्टी है मिट्टी, हर जगह मिट्टी मिट्टी के भी पहाड़ होते हैं। देखो मतलब मिट्टी के ऊपर भी वो बना रखे हैं इन्होंने बिल्डिंग, बिल्डिंग टाइप बिल्डिंग मंदिर है। हाँ बाकी हम चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई टाइप चल रही है। तो गाइस काफ़ी मस्त रोड है, और बाकी मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं है जितनी पहले थी। और फ्लाई ओवर भी आ रहे हैं काफ़ी, एक दो आ चुके थे अभी पीछे, और ये तीसरा वाला फ्लाई ओवर है। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं रिंगस, और ये है निशान भवन, यहाँ से निशान निशान उठाते हैं, और देखो सब निशान निशान वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, सब झंडे बंडे लगे हुए हैं इसी बात पे, जय बाबा की। और यहाँ पे हम पहुँच गए फाइनली, बड़ी मिन्नतों में आई गए।